हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपका यूपी पुलिस 50,568 पदों में नाम आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और ही अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर आखिर तक देखिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर होने वाली है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी के लिए आ चुकी है, तो हम आवश्यक सूचना आप सभी को बताने आए हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपी पुलिस रिलेटेड पल पल की अपडेट सीधे आपके मोबाइल और आपके घर तक हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। तो फ्रेंड्स, आइए बात कर लेते हैं क्या है बहुत बड़ी आवश्यक सूचना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इस दिन से होगी दौड़। तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बड़े निकल के आ रहे हैं, और सेकंड मेरिट लिस्ट आना पक्का, खुद ही देख लो क्या है जानकारी। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट कैसे आनी संभव है। ठीक, और यहाँ पे जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई थी, जिनका मतलब वहाँ पे डीबी हो चुका है, उनकी दौड़ कब होगी? तो उनका आंसर मैं बता देता हूँ, जनवरी में आपकी दौड़ हो जाएगी। ठीक है, जनवरी में दौड़ होने के बाद फाइनल मेरिट भी लग जाएगी। और अब बात कर लेते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे हैं कि आपने हर जगह किसी न किसी यूट्यूब चैनल पे देखा होगा कि यहाँ पे जो भी डीवी की डेट होती है वहाँ पे आधे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो एबसेंट और अनएक्सप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, एबसेंट किस लिए हो रहे हैं तो पूरी जानकारी आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या है कि आपने पीडीएफ देखी होगी जिसमें रिजल्ट आया है। ठीक है, वहाँ पे हुआ क्या है पीडीएफ में कि जिसके पापा का नाम और जो भी कैंडिडेट है उसका फादर नेम बाकी सब सही है, और जो उसका रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर है वो अलग है, किसी और का है, और जिसका वो रजिस्ट्रेशन रोल नंबर है उसका एडमिट कार्ड भी नहीं खुल रहा है। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है, इसकी वजह से उनका वो लोग जा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, डाउट में है कि उनका है कि किसी और का है, इसी वजह से उनकी डेट भी निकल गई और उनका मतलब डीबी नहीं हो पाया। ठीक है, यहाँ पे भर्ती बोर्ड ने जारी तो कर दिया था रिजल्ट, लेकिन वहाँ पे समझ नहीं आया अभ्यर्थी को कि ये किसका है। सेकंड मेरिट लिस्ट तो आना पक्का हो गया। ठीक है, अब कैसे आएगी एक रीज़न आपको बता दिया, और सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी तो आपके 100% जो यहाँ पे जनरल की कट ऑफ 185 गई थी, ये घट के कुछ और हो जाएगी, हो सकता है ये 182 या 180 के आसपास हो जाए। ठीक है, तभी यहाँ पे अच्छे अभ्यर्थी मतलब यहाँ पे योग्य अभ्यर्थी मिल पाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थियों की लिस्ट में नाम आया था रोज़ यहाँ पे 250 बच्चे एबसेंट हो रहे हैं। ठीक है भाई, जब यहाँ इतने बच्चे एबसेंट हो रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे भर्ती बोर्ड दूसरी सेकंड में लिस्ट लगाएगा ताकि 49,000 जो भी अभ्यर्थी हैं 500 वो मतलब कैपेबल पर्सन यहाँ पे मिल जाए, कैपेबल अभ्यर्थी मिल जाए, इसलिए यहाँ पे सेकंड मैरिज लिस्ट आना पक्का है। तो यार, सेकंड मैरिज लिस्ट का आप इंतजार करें तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूपी पुलिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, अगर इससे जुड़ी जो भी अपडेट आती है सेकंड मैरिज लिस्ट से रिलेटेड या यहाँ पे रनिंग से लेकर कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ आती है तो आप तक हमारे चैनल के माध्यम तक पहुँचाई जाएगी। फिलहाल दोस्तों, आपसे जाएंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।